खरगोन जिले के भगवानपुरा में किसानों की कपास की फसल और अन्य फसल नष्ट होने पर सर्वे कराने और खराब बीज विक्रय करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विधानसभा क्षेत्र किसान कांग्रेस कमेटी और स्थानीय किसानों ने एक रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजा राशि दिए जाने और बीज का अनुकरण भी नहीं होने से फसलों का नुकसान हुआ है। ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानदारों से भरपाई की जाए और संबंधित विभाग को आदेशित किया जाए। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। पलवाड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक की भर्ती नहीं होने से आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग काफी परेशान हो रहे हैं, साथ ही शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर धरने पर बैठी देवीलाल यादव ने बताया कि कई वर्षों से डॉक्टर का रिक्त पद खाली पड़ा है, लेकिन अभी तक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई। इसी को लेकर ग्राम बलवाड़ा सहित अन्य क्षेत्र के नागरिकों ने बलवाड़ा उप स्वास्थ्य केंद्र पर धरना दिया। नागरिकों ने बताया कि जब तक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक धरना जारी रहेगा। खरगोन से ब्यूरो रिपोर्ट। बहुत दिनों से डॉक्टर की समस्या बनी हुई है, जिसे देखते हुए आए दिन ग्रामीण परेशान होते हैं। इस चीज को लेकर हम ग्रामवासी बलवाड़ा धरने पर बैठे हैं और ये धरना अनवरत जब तक जारी रहेगा, जब तक यहाँ पर किसी प्रकार के डॉक्टर की समस्या का निदान नहीं होता है और उसके पश्चात ये धरने को और आगे बढ़ाया जाएगा, इसका निदान किया जाए। मैं सुनील अवस्थी।